तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, कोई भी आर्टिस्ट हम हो या आप हो, ठीक है, अगर कोई भी पोर्ट्रेट अगर हम लोग बनाने जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट काम होते हैं जो जिसमें हम डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा काम अब अभी करना है और कौन थो इसके बाद करना होता है। जैसे कि इस वाले पोर्ट्रेट में हम आपको बता देते हैं कि स्टार्टिंग में हम पहले डिसाइड नहीं कर पाए, तो पहले बैकग्राउंड हम सेट करना पड़ेगा, मैं हमको पहले फेस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रिजल्ट आया कि पहले आपको बैकग्राउंड करना है, क्योंकि बैकग्राउंड करने से ये होता है ना कि जो स्मोक का शेड आ रहा है सब यहाँ पे, ठीक है, ये उसमें थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा अगर बैकग्राउंड शेड हो तो, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर था यहाँ पे, जो हेयर का हाईलाइट था, ठीक है, तो इस ये तभी मतलब हम लोग कर पाएंगे जो बैकग्राउंड में, ठीक है, शेड हो। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड को शेड करना पड़ेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड को कैसे सेट करना है, वो क्या है कि जो बॉर्डर वाली एरिया है वहाँ पे हम लोग को डार्क, और जैसे ही फेस के तरफ हम लोग आएंगे तो थोड़ा लाइट में करेंगे, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि पहले हम लोग फेस कंप्लीट कर ले कि या बैकग्राउंड कंप्लीट कर ले, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है ना कि अगर आप बैकग्राउंड कंप्लीट करते हैं तब फेस पे अगर कोई पाउडर चारकोल का आता है या ग्रेफाइट का तो आप उसको रिमूव कर दें, लेकिन अगर आप फेस कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद अगर उस पर अगर स्पॉट पड़ जाता है किसी चारकोल या पेंसिल का तो वो पूरा आपका फेस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यही कुछ बात है। तो चलिए हम पहले बैकग्राउंड सेट कर से आपसे मिलते हैं। तो फाइनली मेरा बैकग्राउंड हो चुका है कम्प्लीट, ठीक है, कि यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, हम अपना यहाँ पे हाथ रख के यहाँ पे फेस कंप्लीट करना होगा, ठीक है, तो हाथ में लग जाएगा तो इसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमको जो यहाँ पे स्मोक का इफेक्ट देना है वो तो यहाँ पे देना होगा ना। तो यहाँ पे एक साइड का कंप्लीट कर, जब फेस कंप्लीट होगा तो इस साइड का कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको चाहिए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम नॉर्मली कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखने थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, उसके बाद तो कर देंगे। तो चलिए फेस कंप्लीट करके फिर आपसे मिलते हैं हम।